भूमि जो राधा रानी ने जन्म लिया वहां पर एक सेठ जी रहते हैं। सेठ जी के घर में कोई कमी नहीं, आलीशान मकान, शानदार दुकान, हजारों करोड़ों लाखों का व्यापार, बहुत अच्छा सब कुछ ठाक। कमी थी तो एक बात की, तीन बेटा घर में है, तीन बहू घर में है, पर सेठ जी के कोई बेटी नहीं थी, हमेशा उदास रहते। एक दिन संत मिले, उन्होंने पूछा कि सेठ जी सब ठाट है फिर भी उदास क्यों? तो सेठ जी बोले, बाकी तो कोई कमी नहीं है, सब ठाट है। तीन बहू बेटा है घर में, सुख सुविधा है पूरी, संपत्ति भरी भवन में रहती, ना ही कोई मजबूरी। कृष्ण कृपा, तीन बहू बेटा घर में, सुख सुविधा पूरी है, कोई कमी नहीं है। कमी है तो एक बात की है कि कोई बेटी नहीं। तो संत ने कहा कि एक काम करो, जिस चीज का जीवन में अभाव हो उस जगह पर भगवान का भाव स्थापित कर लो कि यह चीज मेरे जीवन में नहीं है तो ये मेरे भगवान है। उस जगह भगवान का भाव स्थापित कर लो। और सेठ जी आप तो बरसाने के बासी हो इसलिए राधा जी को अपनी बेटी मान लो। सुनहु सेठ तुमको मिलो बरसाने को बास, यही नाते राधा सुता, फिर काहे रहत उदास। सुनहु सेठ तुमको मिलो बरसाने को बास, यही नाते राधा सुता, फिर काहे रहत उदास। इसी नाते श्री राधिका जी को बेटी मान लो, उदास मत रहो। और संत ने एक चित्र मंगा लिया राधा रानी का, पर सेठ जी को दे दिया, बोले इसी को पुत्री मान। सेठ जी ले गए घर, ले जाकर के स्थापित करवा दिया, अपने कमरे में चित्र लगा दिया। और दिन भर दुकान जाते, शाम को लौटते, चित्र के सामने बैठते, राधे 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 करते। भोजन की थाली आती, पहले राधा रानी को भोग लगाते, पर फिर बाद में पाते, पर फिर राधे राधे करके सो जाते। जिंदगी बदल गई, जीवन बदल गया, राधे 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 करते। तीन बहू बेटा है घर में, सुख सुविधा है पूरी, संपत्ति भरी भवन में रहती, ना ही कोई मजबूरी। कृष्ण कृपा से जीवन पथ में आती कोई न बाधा, मैं बड़ भागी पिता हूँ, मेरी बेटी है श्री राधा, श्री राधा बेटी है। बेटा है घर में, सुख सुविधा है पूरी, संपत्ति भरी भवन में रहती, नहीं कोई मजबूरी। कृष्ण कृपा से जीवन पथ में आती कोई न बाधा, और मैं बड़ भागी पिता हूं, मेरी बेटी है श्री राधा। राधा रानी को बेटी मान लिया। अब एक दिन क्या हुआ, सेठ जी गए थे दुकान, पीछे से एक घर पर चूड़ी पहनाने वाली आई, मनिहारी, जो चूड़ी पहनाने आती थी वो सेठ जी के घर आई। तो तीनों बहू को चूड़ी पहनाई, एक ने पहनी अपने कमरे में चली गई, दूसरी ने पहनी वो अपने कमरे में चली गई, तीसरी ने पहनी वो अपने कमरे में चली गई। तब तक मनिहारी ने क्या देखा, किसी ने दो हाथ और बढ़ा दिया। तो मनिहारी को क्या करना था, उसने उन हाथों में भी चूड़ी पहना ली। चूड़ी पहना करके वो मनिहारी सेठ जी के पास दुकान पहुंची, बोले सेठ जी पैसे? अच्छा, घर गई थी क्या चूड़ी पहनाने के लिए? बोले हाँ। तो सेठ जी ने पैसे दे दिए। मनिहारी बोली कम है, पैसे कम है। सेठ जी बोले क्यों, दाम बढ़ा दिए? बोले नहीं, दाम तो वही है, पर आज मैंने तीन को नहीं चूड़ी चार को पहनाई। सेठ जी बोले चार?
चार तो कोई हमारे घर में है ही नहीं, तीन बहू है और मेरी जो धर्मपत्नी है वो तो कब की भगवान को प्यारी हो गई। चौथा हमारे घर में कोई चूड़ी पहनने वाला है ही नहीं। मनिहारी बोली वो मैं नहीं जानती पर मैंने आज चूड़ी चार को पहनाई है। सेठ जी बोले नहीं तुम झूठ बोल रही हो, पैसे ज्यादा चाहिए तो ले जाओ, झूठ मत बोल। बोले मैं कोई बेईमानी कर ले रही है, मैंने पहना ही है चार को। चलो हम खोजबीन करके देंगे, अच्छी तरह कर लेना। और तीन के ही पैसे दिए, चौथी के पैसे सेठ जी ने नहीं दिए। बोले पूछ कर दूंगा घर में। मनिहारी चली गई, सेठ जी आए, रोज की तरह परिवार से मिले। शाम का समय हुआ, थाली आई भोजन की, राधा रानी को भोग लगाया और राधे 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 करते सोने की तैयारी जब कर रही थी तो पूछा कि भाई आज तुमने चूड़ी पहनी? बहू बोली हाँ पिताजी पहनी। अच्छा तो चौथा कौन है जिसने चूड़ी पहनी? तो बहू ने बोली तीन ही है और तो कोई नहीं था। हाँ तभी तो मैं कह रहा हूं कि तीन ही है, पर वो मनिहारी पैसे चार के मांग रही थी। कोई बात नहीं, जब रात को नींद आ गई, आज ही रात का समय, तो सपने में राधा रानी प्रकट हो गई। तो राधा रानी प्रकट हुई बिल्कुल उदास, चेहरा चिंतातुर है। किशोरी जी उदास खड़ी है तो सपने में ही सेठ जी पूछने लगे, सपने में प्रकट हो भानु की दुलारी बोली, अरे तनया बना तात नात ना निभा। सपने में प्रकट हो वृख भानु की दुलारी बोली, तनया बनाए तात नात ना निभायो। बेटी तो बनाई पर नाता नहीं निभा सके। सेठ जी बोले क्यों, क्या भूल हो गई? तो राधिका जी ने कहा, अरे चूड़ी पहन लीली जान पितु के है का, आप मनिहारिन को मोल ना चुकायो है। मैंने पिता का घर समझकर कल चूड़ी पहन ली, आपने मोल नहीं दिया मनिहारी को। सेठ जी रोने लगे और सपने में ही आंसू। और सेठ जी बोले बेटा मैं भूल गया था, भूल गया था। राधिका जी ने कहा, सपने में प्रकट हो वृख भानु की दुलारी, तनया बनाए तात नात ना निभायो। बेटी तो बनाई पर नाता नहीं निभा सके। सेठ जी ने कहा क्यों, क्या भूल हुई? बोले मैंने पिता का घर समझकर कल चूड़ी पहन ली, तो आपने मनिहारिन को मौन नहीं चुकाया। सेठ जी बोले बेटा मैं भूल गया। तो राधिका जी ने कहा रोते हुए, तीन बहुया सुनकर श्री राधिका को आयो है, कैसी भई दूरी कहो कौन मजबूरी है, आज चार चूड़ी काज मोही बिसरायो है। तीन बहू याद है पर बेटी नहीं याद रही, ये कहत श्री राधिका को हियो भर आयो है। अरे कैसी भई दूरी कहो कौन मजबूरी, आज चार चूरी काज मोही बिसरायो। ऐसी क्या मजबूरी हो गई जो इतनी दूरी हो गई और आज चार चूड़ियों के पीछे मुझे भूल गई। और राधिका जी रोने लगी, सेठ जी अर्ध रात्रि को उठ गए और नींद तो टूट गई पर नीर नहीं टूटा, नैनों से बहने वाला नीर नहीं टूटा। राधिका जी से क्षमा मांगने लगे और जल्दी स्नान करके जितना धन था जेब में डाला और वहां जाकर के मनिहारी के द्वार पर दरवाजा खटखटाया। मनिहारी ने दरवाजा खोला, ये क्या सेठ जी आप? सेठ जी के मुख से शब्द निकल पड़े, दर दर भाग तेरो मनिहारी।
पुजारी, कोई संत महंत पुजारी तेरे से बड़ा बड़भागी नहीं है। क्यों, क्या बात हुई? तो सेठ जी बोले, मैंने मानी सुता, मैंने राधा रानी को बेटी माना, मैंने मानी सुता, पर आज तक निज नयन नाई निहारी। बेटी तो माना पर मैंने आज तक कभी देखा नहीं, निज नयन नाई निहारी। पर चूड़ी पहिर गड़ी तब कल सू, चूड़ी पहर गई तब कल सू, श्री वृख भानु दुदारी दल दल भागत रो नहीं, लेकिन वही आपके कर से चूड़ी पहन कर गई वृख भानु की दुलारी। इसलिए जितना रुपया लाए थे सेठ जी वो निकाल कर रख दिया और मणिहारी से बोले, बेटी की चूड़ी पहनाई ले जाऊं बलिहारी, जन राजेश दो कर मिल लो, जन बेटी की चूड़ी पहनाई ले जाऊं बलिहारी, पर जन राजेश दऊं कर जोड़े छमी हूं, चूक हमारी क्षमा करना। और शेर जी के उसी समय जुगल नयन जलते भरे मुखते कढ़े न बोल, मनिहारिन के पाँव पड़े अब लगे चुकावन मोल। मनिहारी के पांव पड़े और सेठ जी रुपया चुकाने लगे, जुगल नयन जलते भरे मुखते कढ़े न बोल, मनिहारी के पांव पड़े लगे चुकावन मोल। लेकिन मनिहारी ने भी उसी समय क्या कहा, बोले जब तो ही मिलो अमोल धन, मनिहारी बोली जब तो ही मिलो अमोल धन तो फिर का मांगत मोल, रे मन मेरे प्रेम से श्री राधे राधे बोल, श्री राधे राधे बोल। सेठ जी चरणों में गिर पड़े, पर मनिहारी ने कहा कि जब मुझे अमोल धन मिल गया, हमारो धन राधा श्री, राधा श्री, जब मुझे मिलो अमोल धन तो फिर कहा मांगत मोल, अब रे मन मेरे प्रेम से राधे राधे वो। सेठ जी का जीवन बदल गया और इस तरह से राधा रानी सेठ जी की बेटी बनी 45 वर्ष पूर्व की आज भी सत्य घटना बरसाने की है। तो किस तरह बेटी का जीवन में होना, इसी कथा से हमें शिक्षा मिलती है।